अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए। व्यूअर्स, आज डेट है जनाब 4 अक्टूबर 2022 और आज के दिन हमें डिज़ाइन जो मिला है ये देखें, ये ब्लू कलर पर है। इसमें 3-4 कलर होते हैं और ये इसका नाम है इश्क बे। आप ये देखें, हम वीडियो बना रहे होते हैं, लोग मजाक उड़ाते हुए जाते हैं। चले खैर, कोई मसला नहीं है। और साइज़ है ये आत्पदो, ये देखें, आपको पट्टी नज़र आ रही होंगी। इसके नीचे बॉटम पर जो है 3 पट्टियाँ लगी हैं, 2 ऑरेंज 1 वाइट, ऊपर ब्लू कांच है। और इसकी शाइनिंग और इसकी खूबसूरती देखें, ये देखें। गाड़ी के घूम के दिखाता हूँ मैं आपको दूसरी तरफ से, ये देखें। ये सारा माल इसमें 3-4 कलर होते हैं। इश्क बे डिज़ाइन जो बना रखा है, इसमें 2 से 3 डिज़ाइन है, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर। ऊपर का जो कलर है वो चेंज हो जाता है खाली ये, और नीचे जो सेम पट्टियां हैं ये ऐसे ही लगाई जाती हैं। आगे की तैयारी मैं आपको दिखाऊंगा, आप आगे की तैयारी देखें, ये कंप्लीट होने के बाद, गिनने के बाद कैसी लगती है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और अगर हमारे ये डिज़ाइन, ये मेहनत आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा आज माल तैयार हो चुका है, ब्लू इश्क वे जो मैंने आपको डिज़ाइन दिखाया है, ये देखें, ये डिज़ाइन है, इसका नाम है इश्क वे, ब्लू इश्क वे। इसके नीचे जो पट्टियाँ हैं देख रहे हैं आप, 3 रंग की पट्टियाँ लगाई जाती हैं, और इसके साथ है ब्लू डीलाइट। डीलाइट के कलर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आज का हमारा है ब्लू डीलाइट, ये देखें। और गाड़ी मेरी आधी खाली है, ये देखें, पंजाब माल नहीं जा रहा, बारिशों की वजह से सारी सड़कें ख़राब हो गई हैं, इसलिए हैदराबाद चूड़ी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। 1 हफ्ते के लिए फैंसी के काम बंद कर दिए गए। ये जो मैं आपको चूड़ियाँ दिखा रहा हूँ ये फैंसी कहलाती हैं, जिसे हम अपनी ज़बान में बेलन का काम कहते हैं। फैंसी और रेशम, ये दोनों बेलन के कारखानों में तैयार की जाती हैं, और वो काम 1 हफ्ते के लिए बंद हो चुका है। हमें तो यही बताया गया है कि 1 हफ्ते के लिए बंद कर रहे हैं, बाकी अल्लाह मालिक है कितने दिन के लिए बंद होता है। आप ये देखें, ये डिलाइट, ब्लू डिलाइट, और मुझे बताइए कि ये कलर आपको कैसे लगे। कीमत में आपको इसकी अभी नहीं बता सकता, क्योंकि गैस के पैसे और बिजली के पैसे बढ़ने की वजह से कीमतें जो हैं बढ़ गई हैं, और क्या इजाफा हुआ है वो मुझे मालूम नहीं है। जैसे ही मुझे पता लगेगा मैं आपको कीमत भी बता दिया करूँगा। अब चलते हैं गोदाम पर, मौका मिला तो गोदाम की वीडियो बनाएंगे, वरना इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर देंगे, क्योंकि सेठ लोग एतराज़ करते हैं वीडियो बनाने पर। आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, हो सके तो सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।